गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 7:15 हो रहे हैं और आज हम निकल रहे हैं रिकांगपियो के लिए। और ये हमारी बस लगी हुई है, ये बस अड्डा काजा है और करीबन शाम के 5-6 बजे हम पहुंचेंगे। सो अगेन टायरिंग जर्नी है 12 घंटों की। सो मिलते हैं रिकांगपियो पे और उसके बाद हमें जाना है चिटकुल, पर अगर बस नहीं मिलती है तो हमें पीओ में रुकना पड़ेगा, फिर अगले दिन फिर सुबह हम निकलेंगे। पहाड़ों में जो पैक्ड फूड होते हैं वो ऑक्सीजन के कारण इस तरीके से फ्लफी हो जाते हैं, तो आपको सारे शॉप्स में ऐसे लगेगा कि प्रोडक्ट में क्या जबरदस्त ऑक्सीजन भरा हुआ है। तो ये बहुत मज़ेदार सा एक एक्सपीरियंस है, हर जगह मुझे फूले फूले से पैकेट मिल गए। बताओ तुम ऐसे अच्छे चेहरे बनाता है दुमुझ ऐसे तो ऐसे करके अच्छा आपका नाम क्या है? पापा का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, आपका नाम पूछ रहा हूँ। पापा को तो नहीं आता आपका नाम बताने, पता है क्या? अच्छा आपको ऐसे करने आता है, ऐसे करके दिखाओ। अभी शाम के हो रहे हैं 6:15 और हम निकल रहे हैं चितकुल की ओर। हमें बस मिल गई है सांगला तक, तो सुबह 8 बजे से हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई है अब वो जा रही है सांगला। ऑलमोस्ट 12 घंटे हमें हो चुके हैं बस ड्राइव करते हुए और चितकुल सांगला से भी करीबन 30-35 किलोमीटर और आगे है। तो लेट्स सी अब कब तक वहाँ पे पहुँच पाते हैं। वेदर हायर हिमालयस में जैसे टेरेन था वो बिल्कुल ड्राई लैंड था, यहाँ काफ़ी ग्रीन थी और ये बिल्कुल मनाली शिमला वाले रूट की फीलिंग दे रहा है। ये सामने जो वाइट सी लाइन दिख रही है यही एक पूरा रूट है।